अगर हम बचपन से ही ये सोच लें और अपने ध्यान में ये बैठा लें कि हमें ये गेम या ये स्पोर्ट्स नहीं आएगा, ये भर नहीं आ सकता, हमें जिंदगी काम को नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से कोई भी काम हो, जैसे कि हमें अगर इस्लामिक एक्टिविज़म या कोई भी काम करना हो, अगर हम ये पहले से सोच लें कि ये काम नहीं होगा, तो वाकईतन वो काम आपसे नहीं हो सकता। तो इसी तरह अक्सर आप सुनते होंगे कि अरे इस्लाम की बातें छोड़ दो, तुम इस्लाम की बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, अब इस्लामिक सिस्टम दुनिया में वापस नहीं आ सकता। तो इसी तरह है जैसे हम इस्लाम को सीखना ही नहीं चाह रहे हों और उसको ये जैसे हम किसी खेल को, किसी गेम को, किसी स्पोर्ट्स को अगर हम खेलना चाहें तो जानने की ज़रूरत होती है, उसके रूल्स को जानने की ज़रूरत होती है, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो इसी तरीके से अगर हम इस्लाम की चीज़ों को हम तख्त पर रख दें और हम ये सोचें कि ये तो हो ही नहीं सकता, अब हमसे वो तो बहुत आला और अफजल लोग थे जो पहले करते थे, तो हम कभी भी इस्लामिक चीज़ों में या इस्लामिक सिस्टम को लाने में नाकामयाब होंगे, क्योंकि हमने उसकी कभी कोशिश ही नहीं की, कभी ये सोचा नहीं कि हम इस काम को सर अंजाम दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा मौजू था इस खेल के मुताबिक, इंशाल्लाह बात होगी आपसे खेल के बाद।